और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, जहां सोसाइटी में लोगों के बीमार होने का ये मामला है। बीमार होने वालों की संख्या 500 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने सोसाइटी में अपना कैंप भी लगाया है। 350 बच्चों की तबियत बिगड़ी है। बता दें कि टीम ने पानी का सैंपल भी लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। सोसाइटी के पानी में लार्वा मिला, तो ये ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। प्राधिकरण ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सप्लाई का पानी सोसाइटी के लोग नहीं पी रहे। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, जहां इको विलेज 2 का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि दूषित पानी को लेकर सैकड़ों बच्चों की तबियत बिगड़ी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की भी ओर से यहां पर जांच शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, सोसाइटी में किस तरीके की यहां पर स्थिति बनी हुई है और दूसरी तरफ कैसे जांच पड़ताल आगे की जा रही है? देखिए, रविवार से यहाँ एक के बाद एक घर के अंदर से बच्चे और बुजुर्ग लोगों के बीमार होने की जानकारी सामने आई थी। जैसे ही खबर सोसाइटी में फैली तो तमाम लोगों को अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाया गया। संख्या की अगर बात की जाए तो कल 200 के आसपास की ऐसी संख्या थी, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग लोग थे जिनको पेट में दर्द और उल्टी जैसी शिकायत थी। उन सबका ट्रीटमेंट कराया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप लगाया गया था, जहां पर 350 के आसपास बच्चे दवाई लेने के लिए पहुंचे। उसके बाद प्राइवेट अस्पताल ने भी एक कैंप लगाया, उसमें 200 के आसपास लोग दवाई लेने के लिए पहुंचे थे। तो ये संख्या 500 से ज्यादा पहुंच गई है। दूसरी तरफ हरकत में प्राधिकरण भी आया और वहां पानी के सैंपल लिए गए थे। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि सैंपल की जांच कराई जा रही है कि पानी में किस तरीके की गड़बड़ी है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सोसाइटी के बेसमेंट में पानी काफी जमा हुआ था, उसका वहां जांच की गई तो लार्वा मिला। उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तमाम संबंधित विभाग फिलहाल एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोग दुकानों से खरीद कर पानी पी रहे हैं। सोसाइटी का जो पानी है उसको पीने से अभी लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन हाईटेक सोसाइटी में यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर कितने रुपए भी यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे वसूले जाते हैं, और बावजूद इसके इस तरीके की लापरवाही होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब अधिकारियों को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जब बिल्डर द्वारा फ्लैट किसी भी सोसाइटी में बेचे जाते हैं तो तमाम तरीके के सपने दिखाए जाते हैं, और हर एक व्यक्ति अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जीवन भर की कमाई ऐसी सोसाइटियों में लगा देता है, और उसके बाद हर महीने मोटा मेंटेनेंस भी बिल्डरों द्वारा लगातार वसूल किया जाता है। ऐसे में पानी जैसी अगर बेसिक सुविधा इन सोसाइटियों के अंदर नहीं मिल रही है तो संबंधित विभागों को एक कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है ऐसी सोसाइटी चलाने वाले लोगों के खिलाफ। फिलहाल देखना यही होगा किस तरीके की कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ आने वाले दिनों में जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।